मध्य प्रदेश में 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में 150 सीटें जीतेंगी। पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी राहुल के दावे पर मुहर लगाई है। इस बीच अलग अलग एजेंसियों के सर्वे आ रहे हैं जो बीजेपी की शिवराज सरकार के होश उड़ा रहे हैं। तो क्या है सर्वे, देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 3-4 महीने में ही विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। राज्य में 2003 से ही बीजेपी की सरकार है। 2018 में जरूर 5 महीने के लिए कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा। अब एक बार फिर चुनाव करीब है तो तमाम एजेंसियों के सर्वे सामने आ रही हैं, जो बीजेपी की नींद उड़ा रही हैं। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर स्मॉल पॉक्स इंडिया ने ओपिनियन पोल जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 230 सीट वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 124 से 125 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी 70 से 80 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है, जबकि एक अन्य के खाते में 12 से 15 सीटें जा सकती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी सर्वे के लिए निजी एजेंसियों की मदद ली है। कमलनाथ 4 निजी एजेंसियों से अलग अलग सर्वे करा रही है और इन एजेंसियों के सर्वे में भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 160 से 174 सीटों पर जीत तय मान रही है। कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा ने भी इसी रिपोर्ट के आधार पर दावा किया है कि कांग्रेस 174 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त मुकाबला हुआ था। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 114 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को 109 सीट ही मिल पाई थी। गौरतलब है कि आने वाले समय में सत्ता पर कौन काबिज होगा ये जनता तय करेगी, लेकिन अगर ओपिनियन पोल की बात सच साबित होती है तो बीजेपी के लिए 2024 में सत्ता में बने रहने के रास्ते बंद हो जाएंगे, क्योंकि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव 2024 लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जाता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।